बाल की जाए स्थापना दिवस को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, कैसी होगी तैयारियां, सप्ताह भर क्या क्या आयोजन होंगे, हर निकाय में 3 नवंबर तक अभियान चलेगा, चौक चौराहों पर दिए जलाए जाएंगे, संसद दीप नगरी प्रशासन दीप जलाए जाएंगे और नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, संसद वा और ये संसद दिए जलाए जाएंगे हर चौक चौराहों पर। 1 नवंबर 1956 को अलग राज्य बना था मध्य प्रदेश और उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। स्थापना दिवस को लेकर मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर एक बैठक की थी और अब कुछ नए नए कार्यक्रम भी सामने आ रहे हैं, तो भव्य और खास बनाने की तैयारी है स्थापना दिवस को। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं। तो हर निकाय में 3 नवंबर को यह अभियान चलाया जाएगा, चौक चौराहों पर संसद दीप जलाए जाएंगे, साथ ही साथ और भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारियां लगातार चल रही हैं और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, 1 नवंबर 1956 ये वो दिन था जब मध्य प्रदेश इससे अलग हुआ है और 67 साल हो जाएंगे और साथ ही साथ इन सालों में मध्य प्रदेश ने कितना ग्रो किया, कैसे आगे बढ़ा, वो सब झलकियां देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ नई तैयारियां भी हो रही हैं। देखिए, इस बार बहुत ही भव्यता के साथ मध्य प्रदेश का जो 67वां स्थापना दिवस है उसको मनाने की तैयारी है। लगातार मुख्यमंत्री भी ये बात कहते रहे हैं कि कैसे और इसको भव्यता प्रदान किया जाए। इसमें भारतीय संस्कृति, मध्य प्रदेश की संस्कृति के दर्शन होने वाले हैं। लाल परेड ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें तमाम तरह की चीज़ें दिनभर चलने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अब नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक एक नगर में, एक एक नगरपालिका क्षेत्र में हर एक चौराहे पर भूपेंद्र सिंह ने निर्देश दिए, मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री ने, कि 67 दीप हर चौराहे पर जलाए जाएंगे। तो आप देखिएगा कि एक दिवाली की तरह कार्यक्रम दिखाई देगा। ये 3 नवंबर को होगा, लेकिन इसके बीच में कई खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कैसे बालिकाओं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये मंशा हमेशा रही है कि खासकर बालक बालिका जो है, बच्चे, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे ऐसी प्रतियोगिता के जरिए उनको बाहर लाया जाए, उनकी प्रतिभा को निखारा जाए। तो ये ऐसा एक सप्ताह मनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम देखने को मिलने वाले, रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, मध्य प्रदेश की संस्कृति के दर्शन भी होंगे और मध्य प्रदेश के युवा बच्चे हैं उनको कैसे आगे लाया जाए ये भी दिखाई देगा। लेकिन ये कार्यक्रम एक सप्ताह तो चलेगा ही, उससे आगे के प्रोग्राम भी तय किए गए हैं। लगभग साल भर तक, अगले नवंबर तक भी इसमें कार्यक्रम दिखाई देते रहेंगे। मंशा यही है कि जिस तरह से 67 सालों में जो भारत मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया है, मध्य प्रदेश का जिस तरह से विस्तार हुआ है, ये ज़रूर है कि इस बीच में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना, लेकिन मध्य प्रदेश में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, तो वो तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देने वाली है। विजय, तो इस बार अलग तरह की भव्यता 67वें जो स्थापना दिवस है वो दिखाई देने वाली। वाकई, और उसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भी बैठक कर चुके हैं, जैसा कि आपने और इन्फॉर्मेशन दी है। लगातार हम भी अपडेट दर्शकों को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।